सराफा थाना क्षेत्र में गत दिन हुए गोलीकांड का मामला भी जनसुनवाई में पहुंचा, जिसमें फरियादी द्वारा आरोपी रमेश दुबे के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की शिकायत की गई। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ इंदौर के कई थानों में लगभग 40 अपराध दर्ज हैं। आरोपी ने पिछले दिनों पुलिस की मौजूदगी में फरियादी पर 3 फायर किए थे, जिसके बाद मेरे साथ सर 25 तारीख को सराफे में मेरी दुकान पर ही गोली से हमले हुए थे मेरे ऊपर। रमेश दुबे और मेरा बड़ा भाई सानिल और उसका साला मनीष और उनका एक गनमैन, और उनने मेरे पर जानलेवा हमला करा। आज जनसुनवाई में आपने शिकायत करी, किस बात को लेकर शिकायत? मैंने शिकायत करी कि इनके पास जो भी वैध अवैध लाइसेंस हो इनके सब निरस्त किए जाए और इनकी सर्चिंग की जाए। ऐसा बताया जा रहा है जो रमेश दुबे उसके 40 से अधिक अपराध है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका खौफ इतना है, डरा इतने देते हैं कि वो उनके पास कोई गवाही भी नहीं देता है। इस कारण उनके पास कोई वो नहीं है, कोई गवाह नहीं देता है। कोई विधायक के भी रिश्तेदार है, इसके कारण भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो उनका रहता है सपोर्ट, इसी वजह से उनको सब शे मिलती है। और आज उनकी हिम्मत इतनी कि पुलिस वाले वहाँ पे होते सोते उनने मेरे पर 3 फायर करे, मतलब उनकी हिम्मत का तो कोई जवाब ही नहीं है। पुलिस मौजूद थी, उसका वीडियो भी मैंने मैडम को दे दिया है और सब एविडेंस भी मैंने उनको दिखा दिए हैं। हाँ, पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, एक भंडारी साहब और दूसरा, उनका पूरी वीडियो क्लिपिंग और सब चीज मैंने मैडम को दे दी है।